वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह जो है वो फिंगरप्रिंट जो न्यू एक ऑप्शन आया है व्हाट्सएप पे, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप में सिर्फ जो है वो फिंगरप्रिंट जो है सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। मतलब जब भी आप उसको असेस करेंगे या उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको वो फिंगरप्रिंट्स उसका जो है वो ऑन करना पड़ेगा, मतलब फिंगरप्रिंट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप अपने व्हाट्सएप पे लॉग इन हो सकते हैं या व्हाट्सएप पे कुछ भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये बिल्ट इन है व्हाट्सएप एप्लीकेशन में। तो उसको कैसे हम इनेबल कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। यहाँ पर इसने कुछ भी मतलब कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई लॉक नहीं है, बल्कि डायरेक्टली जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करें सामने सारे कॉन्टैक्ट्स और सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आपने करना है क्या कि इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे अकाउंट्स पे आपने क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने ये जो प्राइवेसी पहला स्टेप है ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सीधा लास्ट पे चले जाना है और आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल है, इस पर आपने क्लिक करके इनेबल कर देना है। ठीक है, ये आप फिंगरप्रिंट मांगे आपने सिंपली फिंगरप्रिंट पर अपने फिंगरप्रिंट रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इमीडिएट कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो नोटिफिकेशन कंटेंट इन नोटिफिकेशन, ये आप इनेबल करना चाहते हैं इनेबल करते हैं। उसके बाद आपने सिंपली बैक कर लेना है। तो अभी देख सकते हैं मैं इसको सिर्फ मिनिमाइज़ करूँगा और इसको देखें, ये मैंने मिनिमाइज़ किया। मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आप मेरे से लॉक मांग रहे हैं। जब तक इसको मैं अनलॉक नहीं करूँगा ये शो नहीं करेगा। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ स्विच किया है, यूट्यूब पर स्विच करता हूँ और जैसे ये देखें YouTube में यूज़ कर रहा हूँ और फिर मेरे पास कोई WhatsApp पे मैसेज आता है, मैं सिंपली यहाँ से WhatsApp पर जाता हूँ तो WhatsApp ओपन नहीं होगा जब तक मैं फिंगरप्रिंट से वेरीफाई नहीं कर दूँगा कि ये मैं ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।